नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। और यहां पर बात कर रहा हूं डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु महेंद्र पाल जी, और ये आए हैं आपका आगरे से। ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर आज जो है जनवरी महीना शुरू हो चुका है, आपके जो दूसरे गुरुजी हैं उनका जन्म महीना आज स्टार्ट हो गया है, कल यहाँ पर जो है भंडारा है, बहुत लोगों के आने की उम्मीद है, काफी लोग आए हैं, लाखों करोड़ों का बता रहे हैं, तो ऐसा क्या है भाई गुरुजी 4 साल से यहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतने लोग वहाँ पर आएंगे, ऐसा कौन सा श्रद्धा है, ऐसा कोई जादू है, क्या है कि उनमें हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया, उसका हमने जपा, जपने से हमें शक्ति मिली और हमें ये पता चला कि सच क्या है और झूठ क्या है। हमें उनसे इतना कुछ मिला सीखने के लिए, हम पहले गलत थे, दारू पीते और कुछ गलत काम करते थे, लेकिन जब से हमने नाम दान लिया है तब से एकदम ऐसे हो गए जैसे कि हमें लोग ये समझते कि ये कैसे बदल गया, क्या हो गया, और हम अंदर से इतनी खुशी मानते जब नाम जपते तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में उड़ रहे हैं, या इतना खुश मिल रहा है जो खुशी को हम इजहार नहीं कर सकते, हम इस मुख से नहीं बता सकते हम कितनी खुशियाँ मिलती हैं, कितना आनंद आ रहा है, कितना खुशी हो रही है, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे। जी, मानवता भलाई कार्य के बहुत कार्य किए जाते हैं यहाँ पर, कौन कौन से मुख्य थे आप दो तीन नाम बताइए, दो तीन काम बताइए जो यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे खूनदान है, और बेबेश्या को मतलब लड़की बना के अपनी बहन बेटी बना के रखा जाता है। और आपने कोई खूनदान किया है, कितनी बार किया है? 5 बार किया है। 5 बार किया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और कि गुरुजी जो है किस धर्म को मानते हैं बेसिकली, और वो अपने अनुयायी को किस धर्म को मानने की अपील करते हैं? गुरुजी सभी धर्मों को मानते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उनसे कोई भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े सभी एक समान हैं, किसी धर्म से उनको वो नहीं है, सभी धर्मों को मानते हैं गुरुजी। तो ये थे महेंद्र जी आगरा से, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।